पंचकुला सेक्टर 14 स्थित गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में तीज फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में विधायक डीके बंसल ने शिरकत की। इस आयोजन में कॉलेज की छात्राओं ने कई प्रकार की गतिविधियों में हिस्सा लिया, जिसका इन छात्राओं ने खूब आनंद उठाया। इस आयोजन में कॉलेज की छात्राओं ने कई तरह के स्टॉल लगाए, जिनमें पारंपरिक खाने, चूड़ियां, गहने आदि शामिल थे। इस अवसर पर पंचकुला के विधायक डीके बंसल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र बंसल भी मौजूद रहे। हरियाली तीज थीम पर कॉलेज में मेहंदी, लोक डांस, लोक गीत पर बेहतरीन प्रस्तुतियां पेश की गयी। इस अवसर पर छात्राएं सुंदर कपड़े पहनकर पहुंची थी और इस पर्व के लिए उनमें खासा उत्साह देखने को मिला। मुख्य आकर्षण का केंद्र कैमल राइड बनी। इसके अलावा छात्राओं के लिए कई तरह की प्रतियोगिताएं व खेलों का भी आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बहुत अच्छा, यहाँ पर कल्चर बहुत ही अच्छा दिखाया गया है। डांस, सिंगिंग, स्टॉल भी लगे हुए हैं यहाँ पर। काफी अच्छा अच्छा सामान बिक रहा है महिलाओं का, लेडीज गर्ल्स का। फिलहाल अच्छा लग रहा है। क्या क्या कॉम्पिटिशन्स हैं यहाँ पे? डांस कॉम्पिटिशन्स वगैरह और मेहंदी कॉम्पिटिशन्स, स्टॉल्स लगे हैं काफी। मतलब स्टूडेंट्स वगैरह जिनको जो खाना है वो आराम से खा वगैरह रहे हैं और अपना एंजॉय कर रहे हैं। नहीं, मेहंदी तो लगाई, मुझे शौक नहीं है मेहंदी का। ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। लाइक फर्स्ट टाइम देखा है हमने ये सब और अच्छा है। कैसे मना रही है? रश ही रश है, हम तो कुछ अभी दिख भी नहीं रहा अच्छे से। मेन तो यही है और बहुत अच्छा है कि कॉम्पिटिशन्स वगैरह रखे हैं इन्होंने। अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम हमारे कॉलेज में ये फर्स्ट टाइम प्रोग्राम स्टार्ट कराया है हमारे कॉलेज में। पिछले साल ऐसा नहीं था, न्यू प्रिंसिपल मैम आया तो फर्स्ट टाइम काफी अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? क्या आई एम एंजॉय इट लॉट। क्या क्या खास है यहाँ पे इस कॉलेज में? एवरीथिंग इज गुड, मतलब वी आर एंजॉय एवरीथिंग, जो भी हो रहा है नथिंग इज बैड। खास डांस बहुत अच्छा है अंदर, स्टॉल्स लगे हुए हैं वो बहुत अच्छे हैं। और क्या क्या किया अभी तक? अभी तक डांस एंजॉय किया, स्टॉल्स से शॉपिंग की एंड कैमल राइडिंग। बहुत अच्छा। क्या क्या खास है इसका? बहुत डांसेस, सॉन्ग सब बहुत अच्छा लगा। ऊंट पे बैठना बहुत अच्छा लगा। ऊंट पे बैठ के कैसी फीलिंग आई? बहुत अच्छी फीलिंग आई। मैं एक्चुअली फर्स्ट टाइम बैठी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस कॉलेज में इस तरह के फंक्शन होते रहते हैं तो कैसा लगता है कॉलेज में? बहुत अच्छा लगता है, हाँ घर जैसा लगता है। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि मौजूद विधायक डी के बंसल ने बताया, जो इस कॉलेज में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वी प्रे कि दे विल गेट देयर अचीवमेंट व्हाट एवर दे थिंक एंड व्हाट एवर दे फॉरवर्ड दे वर्क। तो इसी के साथ एक बार बहुत बहुत बधाई बच्चों को तीज के शुभ अवसर पर। मुझे तो बहुत ही बच्चों में जोश देखने को मिला और तरह तरह के स्टाल लगे हुए हैं और तरह तरह के बच्चे मेहंदी वगैरह लगा रहे हैं, तो इससे लगता है कि जो यहाँ के प्रिंसिपल जो हैं एंड अदर स्टाफ इज वेरी डिवोटेड फॉर द स्टूडेंट्स। ये जो तीज का त्यौहार है बड़ी खुशी से और हर तरह से प्रोस्पेरिटी से इस त्यौहार को मनाएं और इससे अपनी खुशियों में सबको शरीक करें। कॉलेज के ईहो क्लब और एनएस प्रकोष्ठ द्वारा पौधारोपण भी किया गया। इस उत्सव के बारे में जानकारी देते हुए प्रिंसिपल उषा मलिक ने बताया, ये हम बचपन में देखते थे कि तीज ऐसे त्यौहार मनाते हैं, बचपन में जाते थे तो लड़कियों का भी जैसे साइंस शुरू है तो लगा कि बच्चे आते हैं कि मैडम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर क्लास आती है, मैडम हमें वेलकम करना है, फिर एक बार आर्ट्स की आएगी, एक बार कॉमर्स की आएगी, तो कई दिन लग जाते हैं इनके फंक्शन करने में वेलकम पार्टी। फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना चलो एक तीज त्यौहार भी मना लेंगे और सबकी वेलकम पार्टी भी हो जाएगी और बेस्ट विशेज भी हो जाएंगी, हमारे साइंस वालों का भी वेलकम हो जाएगा, सारे बच्चों का वेलकम हो जाएगा और शहर को भी जो कॉलेज का पता नहीं उनका भी निमंत्रण देते हैं। आप जैसे आए हो सबको पता चलता है कि कॉलेज में क्या है, मेरे टीचर्स के क्या आइडियाज हैं, कैसा स्टाफ है, पेरेंट्स को भी लगेगा कि हमने कॉलेज में बच्चों को यहाँ एडमिशन करा के अच्छा किया है। आज हम खड़े हैं पंचकुला के सेक्टर 14 गर्ल्स कॉलेज में। जी हाँ, गर्ल्स कॉलेज, जहाँ पर तीज का उत्सव बेहद हर्ष उल्लास से मनाया जा रहा है। कोई ऊन पे बैठकर चीखे मार रहा है तो कोई स्टॉल्स पर बैठा है, तो कोई मेहंदी लगवा रहा है तो कोई डांस को एंजॉय कर रहा है। हर किसी का अपना ही रंग है इस उत्सव को मनाने का।